पुलिस द्वारा एक बड़ी लूट को नाकाम किया गया। 8 सितंबर को डीएनडी फ्लाईओवर ब्रिज पर एक वैन से भारी मात्रा में कैश को लूटने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस घटना में सभी लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन लुटेरों के पास से भारी मात्रा में कैश, 2 गाड़ियां एवं कुछ वेपन्स भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आठ तारीख शाम को लगभग 10 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो डीएनडी फ्लाईवे है उसके पे क्राउन प्लाजा होटल के बाहर उसके नज़दीक फायरिंग थी। इमीडिएटली पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो ये पता चला कि जो एक ब्रिंक्स कैश हैंडलिंग कंपनी है उनकी वैन, कैश कैरिंग वैन है, उसको लेके 3 लोग उस कंपनी के एम्प्लॉइज वो लोग जा रहे थे, जिसको 2 गाड़ियों ने इंटरसेप्ट किया, एक स्कॉर्पियो और एक निसान सैनी। उन्होंने इंटरसेप्ट करने के बाद फायर ओपन किया और उनका गार्ड था विशंबर उसको इंजर किया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की वहाँ से कैश वैन को लेकर जाने की, बट उसको ले जाने में नाकाम रहे। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से अपनी एक गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में वहाँ से भाग गए। इमीडिएटली केस रजिस्टर किया गया और टीम्स फॉर्म की गई। हमारे दोनों ACP ऑफिसर्स मयूर विहार शोभित सक्सेना और ACP प्रीत विहार रोहित राजवीर, उनकी लीडर ज्वाइंट लीडरशिप में टीम्स बनाई गई। टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे और बाकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, जो रूट देखा गया कैश वैन का, CCTV स्कैन किया गया, फिर उसके बाद फाइनली जो टीम्स थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो एक्यूज थे इस केस में इन्वॉल्व। और टोटल इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से 5 लोग उस दिन वहाँ जब इंसिडेंट हुआ था वहाँ मौजूद थे और 2 लोग इनमें से एक ने लॉजिस्टिक्स इनको प्रोवाइड किए और एक जो अभी भी प्रेजेंट एम्प्लॉई है ब्रिंक्स कंपनी का, एक इनको अरेस्ट किया गया है। टोटल 2 एम्प्लॉइज हैं, एक एक्स एम्प्लॉई है ब्रिंक्स कंपनी का और एक प्रेजेंट एम्प्लॉई है, जिन्होंने जो इनके सेम के विलेज के रहने वाले लोग हैं जिनकी इन्होंने मदद की थी, इंफॉर्मेशन शेयर की थी इनके साथ और प्लान बनाया था इस कैश वैन को रॉब करने का। और इनके पास से हमें टोटल रिकवरी, जो पहले एक तो गाड़ी स्पॉट पे जो मिल गई थी वो है, उसके बाद दूसरी गाड़ी यूज हुई है क्राइम में स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। जो वेपन्स इनसे मिले हैं जो उस क्राइम में यूज हुए थे, 2 कंट्री मेड वेपन्स हैं और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं और कार्ट्रिजेस मिले हैं। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन और जारी है कि और किस किस केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर, ये गाड़ी अपनी छोड़ के वहाँ से भाग गए थे और कैश वैन को भी ले जा नहीं पाया, हालांकि उन्होंने ताला तोड़ दिया था, तो ये ऐसी क्या वजह रही? 5 लोग जो बता रहे हैं यहाँ, 5 लोग वहाँ पर थे, तो व्हाई डिड दे लीव द कैश वैन बिहाइंड, व्हाई डिड दे लीव द कार बिहाइंड? जो मैं बता रहा हूँ उसमें इन्होंने ट्राई किया था कैश वैन को ले जाने का वहाँ से, बट उसको ये लोग, उसकी स्पीड भी कम होती है कैश वैन की, प्लस जो इंटरोगेशन में पता चला है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसका गियर वगैरह कुछ फंस गया था, जिसकी वजह से उसको ले नहीं जा पाया। और चूंकि ऑलरेडी सब लोग निकल चुके थे और इसलिए एक गाड़ी जो इनकी आगे फ्रंट में जो गाड़ी थी जो साथ में चलना भी शुरू हो गई थी, तो आउट ऑफ शेयर पैनिक वो दूसरी गाड़ी में सब लोग शिफ्ट हुए और फिर वहाँ से था। सर, वेयर आर द फर्स्ट टाइमर्स? नहीं, इनमें से जो कुछ लोग हैं उनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं, चोरी की हैं, हरियाणा में भी एक एक्यूज इनमें से मर्डर में वॉन्टेड है, तो हरियाणा में ही इनके सोनीपत में किसी रजिस्टर्ड है। सर, गार्ड को मारना क्या प्री प्लान्ड था कि पहले गार्ड को मारेंगे या फिर उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया इसलिए उसका मर्डर किया गया? देखिए, इंटरोगेशन में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यही था कि अगर चूंकि उसने अरेस्ट किया था, गार्ड ने अरेस्ट किया था, इसलिए उन्होंने उसको फायर किया। हाँ, मैं आपको पुलिस भी दे दूंगा। सुनील है इसमें, सुनील, मोहित और कपिल, ये 3 मेन फ्रेंड्स हैं जो सेम विलेज में रहते हैं। उसके बाद 2 एक्यूज जो कंपनी से रिलेटेड मैंने बताया, एक एक्स एम्प्लॉई है संदीप और एक प्रेजेंट एम्प्लॉई है प्रवेश, और एक इन्होंने और विजेंद्र है जिसको इन्होंने ओपन किया अपना स्टैंड बढ़ाने के लिए। इन्होंने फायर किसने किया था सर गाड़ी के ऊपर?
अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला सुनील ने कहा। थैंक यू। हमारी टीम्स हैं, स्पेशली मैं आई मस्ट अप्रिशिएट एसीपी मयूर बिहार हैं शोभित सक्सेना और एसीपी रोहित राजवीर हैं, इन दोनों ने बहुत अधिक हमारे बैचमेट्स और इन्होंने दोनों ने ज्वाइंट एक मिल के, जबकि रोहित की संवेदना केस भी नहीं था बट उन्होंने साथ में मिलकर बैचमेट्स ने साथ में मिल के इस केस में पूरी मेहनत की है पूरे 7 दिन के अंदर और दोनों ने मिलकर इस केस को। 4.2 करोड़, 4.25 करोड़। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन से जो अंदर जो एम्प्लॉय था उसके किया था। यस।